तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा। यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट आप लोगों का लेट क्यों हो रहा है और कब तक आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो पेशेंस बनाकर वीडियो का अंत तक जरूर देख लें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिजल्ट इतना लेट क्यों हो रहा है। तो देखो, इसका अभी तक देखो ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई रीज़न पता लगे, बट साइट पर अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइट पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना ही तो यह नोटिफिकेशन आया है कि नई आंसर की आएगी या डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। तो देखो, सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, रिजल्ट आप लोगों का जो है 5 तारीख को, है ना, 5 सितंबर से पहले पहले आप लोगों का जो रिजल्ट है वो साइट पर देखने को आपको मिल जाएगा। आप लोगों का डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, है ना, ना तो नई आंसर की आएगी और ना कुछ होगा। अब डायरेक्ट आप लोगों का जो है रिजल्ट आएगा, और वो भी 5 सितंबर से पहले पहले आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसे रिजल्ट आ जाएगा फिर होगा आप लोगों का काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट। अब देखो, काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जिन भी स्टूडेंट के अच्छे नंबर आ रहे हैं, देखो दो कैटेगरी के अनुसार मैं बता देता हूं, एक स्टूडेंट वो है जिनके कि अच्छे नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, अच्छे नंबर आ रहे हैं। एक स्टूडेंट वो है जिनके कि थोड़े कम नंबर आ रहे हैं ना, और एक है जिनके कि मीडियम नंबर आ रहे हैं ना। तो अब देखो, अच्छे स्टूडेंट, मीडियम और कम वाले। तो देखो, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आ रहे हैं और अगर वो जानते हैं कि काउंसलिंग कैसे करवाते हैं, कौन सी कॉलेज भरते हैं, कैसे क्या करते हैं, पूरा प्रोसीजर अगर उनको पता है तो आप खुद से काउंसलिंग कर लो। बट जो मीडियम और जो कम नंबर वाले हैं, मीडियम और कम का मतलब ये है, जिन भी स्टूडेंट्स के 75 से कम नंबर है, ठीक है ना, जिन भी स्टूडेंट्स के 75 से कम नंबर हैं वो स्टूडेंट मेरे से काउंसलिंग करवा लो। रजिस्ट्रेशन फीस मैं 500 रुपये ले रहा हूँ, मतलब कि चार्ज आप लोगों का 500 रुपये ले रहा हूँ। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलेगी ना, जब तक कॉलेज नहीं मिलेगी तब तक के 500 रुपये ले रहा हूँ, तब तक हम काउंसलिंग आप लोगों की करते रहेंगे। और 600 रुपये आप लोगों का जब हम कॉलेज भरेंगे तब आपका टोकन लगेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब कैसे क्या करवाना है, तो देखो ये मेरे नंबर है 9828306559, ये मेरे WhatsApp नंबर है। इस नंबर पर जाकर आप मुझे WhatsApp पर मैसेज कर दो कि भैया हमें काउंसलिंग करवा लिया। जिन्होंने मेरे पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, बिल्कुल भी आप टेंशन मत करो, आप लोगों का पूरा प्रोसीजर हो चुका है। अब एक दो दिन में आप लोगों के पास में हमारी तरफ से कॉल आने लगेंगे और आप लोगों से जो है, आप लोगों का जो भी आप लोगों ने डाटा भेजा था उसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करके आप लोगों से जो है डाटा मांगा जाएगा। तो हमारी तरफ से ही आएगा, जो मैं नंबर बता रहा हूँ इस नंबर से कॉल आएगा, बाकी और किसी भी नंबर से कॉल आए तो आपको जो है उनका रिप्लाई नहीं करना, ठीक है ना। तो नंबर चेक कर लो आप लोग, ये नंबर है, आप लोग इनको सेव कर लेना, 9828306559, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। इसी नंबर से आपके पास में कॉल आएगा तो ही आप लोगों को आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, बाकी आप लोगों को अदरवाइज किसी भी नंबर से फ़ोन आए तो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, ठीक है ना। ये हमारे नंबर हैं, ये आप जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया वो सभी सेव कर लो इस नंबर को, ठीक है ना। अब देखो, जिन्होंने नहीं करवाया है वो सभी क्या करेंगे, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, 9828306559। देखो हमारे पास में ऑलरेडी 200 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब 10-15 स्टूडेंट की और करेंगे हम, फिर उसके बाद में हम रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे। पहले 300 रुपये फीस थी, अब 500 रुपये हो चुकी है बढ़कर, लगभग 8 दिन हो गए हैं और लगभग हमने जो है रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं ज़्यादातर, है ना। अब लास्ट एक दो दिन और रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, उसके बाद में हम रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे। तो जिनके मीडियम और कम नंबर है प्लीज़ एक बार हमसे काउंसलिंग करवा लो, 500 रुपये में कुछ नहीं जा रहा, कैसे भी करके हम कॉलेज दिलवा देंगे, या तो फर्स्ट राउंड में, या तो सेकंड राउंड में, या तो थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड, जब तक नहीं मिलेगी ना तब तक आप लोगों की काउंसलिंग हम करते रहेंगे, ठीक है ना। तो इस नंबर पर आप लोग जो है मुझे मैसेज कर देना, बाकी टीम आपको पूरा प्रोसीजर बता देगी, ठीक है। अब रही बात ये कि भैया रिजल्ट कब आएगा, तो देखो रिजल्ट अभी एक दो दिन बाद में आएगा, अभी तो ना आज भी नहीं आएगा और कल भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो फिर संडे पड़ जाएगा तो संडे को भी नहीं आएगा, तो मतलब ये लगा लो आप 5 तारीख से पहले पहले आ जाएगा, यानी 4 को या 5 को, कोई भी एक डेट को आ जाएगा। बट अब देखो रिजल्ट को लेके बैठ जाओगे, उसके अलावा आप लोग जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लो आप लोगों के, ठीक है ना। जैसे डॉक्यूमेंट आप लोगों के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास में रेडी रखो, जैसे मैं थोड़ी सी बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे बता भी दिया होगा लेकिन 10th की 12th की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, फ़ोटो खिंचवा लो अभी, है ना, फ़ोटो बनवा के रख लो। उसके बाद में जाति बनवा लो आपकी, आय बनवा लो, आय सर्टिफिकेट, मूल निवास बनवा लो, उसके बाद में आप लोगों का जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना आप लोगों का, है ना। और अगर गैप दे रखा है आप लोगों ने, है ना, अगर 1 साल का 2 साल का बीच में गैप दे रखा है तो गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना,
इसके अलावा और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आप लोगों को और बता दूंगा, बट ये तो जो है मेन डॉक्यूमेंट है ये तो आप लोगों के पास में होना ही चाहिए, है ना। इसके अलावा आप लोगों ने जो फॉर्म भरा था वो फॉर्म की कॉपी होनी चाहिए, जो आप लोगों का जो आप लोगों का एडमिट कार्ड है वो आप लोगों के पास में होना चाहिए, जो आप लोगों ने फीस पे करी थी ना जब फॉर्म भरा था उसकी हार्ड कॉपी आप लोगों के पास में होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ आप लोगों के पास में होनी चाहिए। उसके बाद में आप लोगों के काउंसलिंग करेंगे, जब काउंसलिंग का टोकन काटेंगे 600 रुपये का, वो उसकी कॉपी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। उसके बाद में जो अलॉटमेंट लेटर आएगा उसकी कॉपी आप लोगों के पास में होनी चाहिए, और फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो काउंसलिंग आप हमसे करवा लो, आप लोगों के लिए हम कैसे भी करके, हमको पता है कि कैसे क्या कौन सी कॉलेजेस भरनी है, कौन सी कॉलेज में आपका नंबर आ सकता है, कहाँ कितनी क्या सीटें खाली है, नई गवर्नमेंट कॉलेज पुरानी गवर्नमेंट कॉलेज, वो हम हमारे अकॉर्डिंग करेंगे ना। तो जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो करवा लेना, लास्ट बार बोल रहा हूँ, नंबर मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे उसके बाद में नहीं करेंगे, पहले बोल रहा हूँ, तो सुन लो 9828306559 ये व्हाट्सएप नंबर है, जाकर जल्दी से मैसेज कर दो कि भैया काउंसलिंग करवानी है, पूरा प्रोसीजर आप लोगों को बता देंगे, बाकी रिजल्ट फटाफट से आ ही जाएगा, मैं आप लोगों को फिर तुरंत बता दूंगा। बाकी मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।